बारह लगभग 14 वर्षीय बच्चे को लगी गोली, बदमाशों द्वारा दूसरे को निशाना बनाते वक्त घटी घटना। नवादा थाना क्षेत्र की गोलना रोड की घटना। बताया जा रहा है कि कोचिंग जाने के क्रम में बच्चे के साथ हुई घटना। मौके पे पहुंच पुलिस छानबीन में जुटी। विस्तृत जानकारी के लिए बने रही TVN7 न्यूज के साथ। तो गाड़ी चला रहे थे, लोग फोन करके बुलाया कि तुम्हारा लड़का गोली लग गया है। हम दौड़ पर आए, उसको फिर गोली उठाया, मोटरसाइकिल बैठा है, बैठा कर फिर यहाँ फंगने चल गया। मतलब कि कै बजे घटना है? 2:40 के घटना है। उस समय लड़का कहाँ था? बच्चा बताएगा ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था? नहीं, ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकल रहा था गली। अच्छा, उसके बाद अचानक से पीछे से? बच्चा बताया, सब बता रहा बच्चा। वहाँ के स्थानीय लोग? 14 साल का बच्चा होगा, 13-14 साल का होगा। कुछ डेढ़ घंटा पहले आया था, गनशॉट इंजरी का था, पेट के पीछे हिस्सा से लग के आगे गोली निकल रही थी। एसपी काफी ब्लीडिंग हो रहा था, उस हम लोगों ने ब्लीडिंग बंद कर दिया है। मैंने मशीन पे अपना इमेज मशीन पे देख लिया है, अब पेट के अंदर कोई गोली नहीं है। बच्चे का बीपी पल्स सबसे स्टेबल है, इलाज मैंने शुरू कर दिया और अपने अंडर में एडमिट कर दिया। अभी लड़का की स्थिति क्या है? अभी स्थिति ठीक है, नॉर्मल है। मैंने बहुत ही वो जान को खतरा नहीं है, लेकिन अभी तो चूंकि गोली लगी है तो ऑब्वियस है कि उसको भी ब्लीडिंग वगैरह हुई है, तो थोड़ा सा दर्द है, बट मैंने एडमिट कर लिया, चिंता की कोई बात नहीं। लड़का खतरे से बाहर?